तो आज हम लोग चना दाल का वड़ी बनाने के लिए आ चुके हैं। और चना दाल का वड़ी में कुछ भी ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चना दाल को हमने रात भर भिगो के रखा था, और भिगोने के बाद इसे सुबह में हमने पानी से छानने के बाद अच्छे से आप वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद हमने इसे अच्छा सा एक पेस्ट तैयार किया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, मतलब दरदरा सा आपको तैयार करना है। और पानी बहुत ज़्यादा इसमें ऐड आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने इसे अच्छे से मिक्सर में पीस लिया है। और इसमें हमने 1.5 kg दाल लिया था, तो इसमें हमने 3 टमाटर यूज किया है, जो कि आपको उसी समय दाल के साथ ही पीस लेना है और मिक्स कर लेना है। तो हमने मिक्स करके रखा है। अब हम इसे बड़ी बनाने जाएंगे, तो इसमें और कोई भी चीज़ आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, नमक वगैरह। तो देखिए, इस तरीके से ये बड़ी को आपको बनाना है। तो आप प्लास्टिक पे बना सकते हैं या कोई भी कपड़े पे बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास चादर वगैरह है तो उस पर। तो ये जो प्लास्टिक है, इस पर हमने ऑलरेडी बहुत दिनों से चिप्स बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसी पे बना रहे हैं। तो देखिए, इसमें कुछ भी और ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको नमक वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो है ना, जैसे आप सोयाबीन बड़ी खाते हैं ना, उस तरह से ही ये बड़ी बनेगी। और इसके बाद ये सूखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब आप सब्जी बनाएंगे, जैसे बैंगन का, तो उस सब में आप ऐड करेंगे, या इसका आलू और ये बड़ी डाल के आप सब्जी बना सकते हो। तो उस समय आपको सब मसाला या नमक जो भी ऐड करना है उस समय करेंगे। अभी बस आपको टमाटर और दाल, मतलब दाल मैंने 1.5 kg लिया है, तो 3 टमाटर उसमें हमने पीस लिया है। और मिक्स करने के बाद बस इस तरीके से बड़े बड़े आकार का हम बड़ी बना लेंगे। और तो देखिए, ये जो दाल का हम लोग बड़ी बना रहे हैं, जब ये सूख जाएगी धूप में अच्छे तरीके से, तो ये खुद पे खुद आप इसे आसानी से, मतलब इससे निकल जाएगा ये। जैसे कि आप कोई भी कपड़े पे या प्लास्टिक पे, कि जिस चीज़ पे भी आप इसे रखेंगे, जैसे ये बड़ी का आकार का, तो इसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये खुद पे खुद सूखने के बाद आराम से निकल जाएगा। तो इसे अच्छे से पर सुखा लेना है आपको। जब ये सूख जाए तो आप इसे स्टोर करके रखिए, 1 साल 2 साल तक ये बड़ी आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसे बैंगन के साथ, फिर आलू के साथ, या सिर्फ ये बड़ी की सब्जी बनाइए और खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चना दाल की वड़ी देखिए, इस तरीके से आपको बनाना है। और आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो फिर आप इसे देखिए, इस तरह से हम पूरा बड़ी जो है तैयार कर लेंगे।
कि ये पूरी बड़ी बन चुकी है। अब हम इसे धूप में रख दिए हैं, इसे अच्छे से सूखने देंगे और उसके बाद क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। देखिए चना दाल की जो वड़ी हमने बनाई थी ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है। ये देखिए आपको मैं दिखा दे रही हूँ दोनों साइड से, तो ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है। तो ये सूखने के बाद आप इसे स्टोर करके आराम से एक साल तक रख सकते हैं और खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है, बस इसे अच्छे से रखना है, सुखाना आपको प्रॉपर है। तो ये अच्छे से सूख चुकी है और ये बहुत ही अच्छी लगती है ये वड़ी खाने में। आप जैसे सोयाबीन वड़ी बनाते हैं उसे जैसे पहले फ्राई करते हैं, बस इसे पानी में आपको कभी भी आप इसकी सब्जी बनाएं तो इसे पहले एक बार ऑयल में फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद आप जैसे भी सब्जी बनाते हैं बैंगन का उसमें ऐड कीजिए, अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अदरवाइज़ आप इस बड़ी की भी बना सकते हैं आलू के साथ। तो इसे फ्राई करके ही बनाना होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और देखिए ये बहुत ही अच्छा बना है और सूख के एकदम सूख चुकी है पूरी तरीके से। तो आप लोग भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप ये आप लोगों को पसंद आई हो, चना दाल की वड़ी पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रुचि लाइफस्टाइल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो ये रेसिपी ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए, चना दाल का वड़ी। और ये सब रेसिपी मेरी मम्मी का है तो ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा।